गाइस सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ चैनल पे, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर ले। और आज की वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और एक पर्टिकुलर नंबर को लेके उसके स्क्वेयर्स को प्रिंट करवाएंगे आउटपुट पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड हेडर फाइल लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दो वेरिएबल, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स और एक हम रखेंगे एन। तो इसके बाद हमने इनपुट कराना प्रिंट, तब हम चाहते हैं कि यूजर, एक मिनट, तो एक्स की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, जैसे हम दो रख लेते हैं एक्स की वैल्यू, और एन जो है वो रहेगा, अच्छा दो भी नहीं, जैसे अगर मैं पाँच कर लेता हूँ तो एन की वैल्यू हम रखेंगे 100। पहले हम देखेंगे कि अगर हम एन को 100 रखते हैं तो 5 के कितने ही स्केयर्स जो है वो 100 की रेंज तक आएंगे बीच में। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसमें लूप चलाएंगे वाइल एक्स लेस देन एन। तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो एन से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे जब तक वैल्यू छोटी रहेगी तब तक जो है यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑपरेंड यूज करेंगे शॉर्ट हैंड वाला एक्स इंटू इक्वल टू एक्स। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो बेसिकली जो ये वाला प्रोग्राम है, मतलब कि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमने क्यों यूज किया, इससे पिछली वीडियो बना रखी है, जिसको नहीं पता था वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट अक्सर, मतलब प्लेलिस्ट में जाके वीडियो शॉर्ट हैंड पे वीडियो मिल जाएगी, तो वहां जाके वीडियो देख सकता है। तो यहाँ पे रिटर्न 0, वैसे रिटर्न स्टेटमेंट लगानी जरूरी नहीं है, बट फिर भी लगा सकते हैं, मतलब मर्जी है। तो अभी से प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया। ये चीज है, ठीक है, कंप्लीट करा के देखते हैं। तो अंत में हमारे पास आ रहा 25 और 625। तो प्रोग्राम अगर हम एक बार में अगर कोड भी दिखा दूं, जैसे एक मिनट, तो हमारे पास ये कोड था, तो इसने काम किस तरीके से किया, ये 25 और 625 दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसके बाद वैल्यू असाइन कर दी एक्स में 5 और एन हमारा 100 है। तो एक्स की जो, मतलब ये एक्सप्रेशन देख के पता चल ही रहा होगा कि क्या चीज़ है ना,
तो लूप तब तक चलेगा जब तक एक्स की वैल्यू जो है वो एन से छोटी रहेगी। तो उसके बाद कंपाइलर अगली लाइन में आएगा वाइल की बॉडी के अंदर, जहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा रखा है। इस ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या है कि ये मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर ही है, मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे एक्स इक्वल टू, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ ना, अगर मैं एक्स इक्वल टू एक्स स्टार एक्स लिखूं, मतलब मैं ये वाली, मतलब अगर मैं इस चीज को इसकी जगह लिख देता हूँ तब भी सेम रिजल्ट आएगा। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्टार, ठीक है, ये वाली चीज सेम कर दी, अब रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैं रीरन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो इसे दोबारा रन करेंगे तो रिजल्ट वही आ रहा है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन है ये वाला, एक मिनट। बट अगर मैं इस स्टार को आगे कर देता हूँ तो आई थिंक ये एरर देगा, एक मिनट। तो एरर क्या आएगी? इनवैलिड टाइप आर्गुमेंट ऑफ यूनरी, तो इसने एरर दिया। तो बेसिकली इस तरीके से नहीं आई, इस तरीके से लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। एकदम बढ़िया। तो अब ये तो हो गया नॉर्मल, अगर हमने वैल्यू असाइन करनी थी, ठीक है, वैल्यू हमने नॉर्मली असाइन कर दी। बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो यूजर इनपुट करे, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि वैल्यू जो है वो यूजर इनपुट करे, ठीक है, एक्स की, तो मैं प्रिंट फंक्शन लगा दूंगा और हम प्रिंट क्या कराएंगे, लाइक एंटर वैल्यू फॉर एक्स, ठीक है, ये तो एक्स की वैल्यू जो है वो यूजर इनपुट करे, इसके लिए स्कैनर फंक्शन लगा दिया, जहाँ पे हम परसेंटेज डी असेंड एक्स, ठीक है, और सेमी कोलन, यहाँ पे भी सेमी कोलन लगाना, नहीं तो एरर देगा। तो सेमी कोलन लगा दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो यूजर डिसाइड करे, मतलब यूजर इनपुट करेगा। अगर मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 के स्केयर्स प्रिंट नहीं कराने, मुझे 2 के स्केयर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो रीटर्न करते हैं। अब ये वैल्यू पूछ रहा है, अगर मैं 2 इनपुट करता हूँ तो एंटर करते हैं, तो इसने 2 के स्केयर्स प्रिंट करा दिए, ठीक है, और ये सारे के सारे स्केयर्स जो है वो 100 के अंडर अंडर ही आते हैं। तो ये हो गया स्केयर्स, मतलब कई जने कहेंगे यार कि 256 तो 100 से बाहर जा रहा है ना। तो वाइल लूप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि ये कंसेप्ट बेसिकली क्या चीज है। अगर मैं इस चीज को नीचे लिख देता हूँ ना, एक मिनट, अगर मैं इसे यहां से हटा के नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखना रिजल्ट क्या होगा। तो मैं अब 2 डालता हूँ, तो इसने क्या प्रिंट कराया, 2, 4 और 16। तो बेसिकली ये काम किस तरीके से किया, ठीक है, तो वो हम लूपिंग वाले कंसेप्ट में देखेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिन कई इन लोगों को वैसे पता ही होगा जिन्होंने लूप कर रखे हैं, तो व्हाइल लूप क्या चीज है कि ये, मतलब ये स्टेटमेंट चेक करने से पहले एक बारी खुद को एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है, तो वो चीज़ बाद में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर बढ़िया लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, तो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।